सबसे पहले आप लोगों को हरे कृष्णा मेरी तरफ से। आज तुम्हें जिस व्यक्ति के जीवनी सुनाऊंगा उनका नाम है आवारा मसीहा। ये नाम उनको हिंदी के एक विख्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी ने रखा है। जिन व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ उनके असली नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंदी भाषी विलिखित में उन्हें शरद चटर्जी, ये शरद बाबू नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है क्या, बंगाल के इतने मशहूर उपन्यासकार जिसे उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उनके प्रामाणिक जीवनी बंगाल के किसी लेखक ने लिखा नहीं। जो भी लिखा है छूटफूट लिखा है, पूरी जीवनी कहीं से कहीं भी बंगाल के किसी भी लेखक ने लिखा नहीं। ये बंगाल के लिखे लेखकों के लिए एक शर्म की बात है, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र के एक लेखक उनके जीवन के 13 साल विष्णु प्रभाकर जी ने 13 साल लगा दिया इनके जीवनी लिखने में, और उस किताब का नाम रखा आवारा मसीहा, और वो किताब बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। 13 साल विष्णु प्रभाकर जी अगर चाहते तो कम से कम 20-25 नावल लिख सकते थे अपने जीवन के, और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जवानी के 13 साल इस एक लेखक के पीछे लगा दिया। उनको शरद चंद्र इतना पसंद आया और वो कहाँ कहाँ नहीं गया। शरद चंद्र के जीवन जन्म स्थान हुगली जिला पश्चिम बंगाल में देवानंदपुर, फिर उनके नानीहाल भागलपुर वहाँ गए, फिर शरद चंद्र कलकत्ता में आए, कलकत्ता में फिर चले गए वो रेंगून म्यांमार, जिसका आजकल कहते हैं बर्मा की राजधानी रेंगून, वहाँ चले गए, वहाँ आजकल उसका नाम यंगून है, वहाँ गया। उसके बाद शरद चंद्र जी लास्ट आखिरी जीवन में रूपनारायण नदी के किनारे उनके पैतृक गांव के वहाँ मकान बनाया, वहाँ गए, और भी जहाँ जहाँ उनके जो उपन्यास के कहानी के स्थान है, जैसे गिरिडीह, जसीडीह बिहार के, ये सब उनके उपन्यास में मिला है जो जगह, ये सब सारे स्थान उन्होंने भ्रमण किया, एक एक करके तथ्य हासिल किया, और फिर ये आवारा मसीहा का उपन्यास, ये कहानी जीवनी लिखा है, जो कि काफ़ी मशहूर है। मेरे ख्याल में भारत के हर अच्छे लाइब्रेरी में ये आवारा मसीहा किताब मिल जाएंगे। आप चाहे चपाए पढ़े तो बहुत आप लोगों को शरद चंद्र बाबू के बारे में नॉलेज मिलेगा। जो भी है शरद चंद्र के बारे में अब मैं बता रहा हूँ। शरद चंद्र के पिताजी देवानंदपुर में हुगली जिला के, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में देवानंदपुर रहते थे। उनके माताजी के फैमिली उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के थे, जो कि भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में रहते थे, और उनके शादी तो शरद चंद्र पिताजी से हुई थी, लेकिन उनके आर्थिक हालत बहुत ख़राब थे, और शरद चंद्र के कई भाई बहन हुए, और आर्थिक हालत ख़राब होने के कारण शरद चंद्र बचपन में ही अपने नानी हाल में आ गए, बचपन में, और वहाँ से ही पढ़ाई लिखाई करते रहे नानी हाल में, नानी हाल भागलपुर में ही, और पले बड़े, इसलिए उनकी ज़्यादातर कहानियों का पृष्ठभूमि भागलपुर रहा। जैसे श्रीकांत का फर्स्ट पार्ट भागलपुर की सारे कहानियाँ है, श्रीकांत उपन्यास में प्रथम पर्व भागलपुर की है सारा कुछ। तो वो जो भी हो वहाँ से वो पलते बढ़ते रहे, और जब 10वीं का एंट्रेंस एग्जाम देना था मैट्रिक के, चूँकि वो मामा के घर में आर्थिक था तो उनके परीक्षा के फीस के लिए बड़े झंझट हुआ। उनके पिताजी की इतनी हालत अच्छा नहीं था कि फीस के पैसे भेजे, तो वो शुरू शुरू में तो दिक्कत हुई, बाद में किसी मामा ने भर दिया तो उन्होंने 10वीं पास कर लिया, और उसके बाद से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कहानी उपन्यास वगैरह लिखते गए, कॉपी भर भर के एक के बाद एक लिख के लिए लिखते गए। इसके बाद जब वो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने के टाइम आया, तब भी वही फीस का समस्या आया, और फीस की समस्या आई इतना विकारल हुआ, तब उनके मामा जी के नानी हाल का हालत भी शायद ख़राब हो गया, या व्यक्तिगत स्वार्थ कारण शायद किसी ने उनके लिए फीस नहीं भरा, या अपने बच्चे के लिए से भरे
उनके लिए नहीं भरा, जिसके कारण शरतचंद इतने मेधावी होते हुए भी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे नहीं पाए। और फिर क्या करते वो उनको नौकरी के इतने बड़े लड़के का कौन खिलाएंगे, तो नौकरी के तलाश में वो निकल पड़े। तो उन्होंने जितने भी उस समय बहुत सारे उपन्यास के पांडुलिपि मामा जी उनके मामा के पास, मामा के जो लड़के हैं उनके पास, एक उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके पास, उन सब को दे के गए और उनको रखने के लिए। जो गर्लफ्रेंड थी प्रेमिका, मेरे ख्याल में श्रीकांत उपन्यास के द्वितीय प्रकरण में जो राजलक्ष्मी लार्ज लक्ष्मी थे उसके साथ शायद मेल खाते होंगे। जो भी हो, इसके बाद उन्होंने कैसे भी उन्हें बर्मा में, जो आजकल म्यांमार है, म्यांमार पर उस समय बर्मा कहते थे, वहाँ एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। और किस तरह से मिला ये डिटेल तो दिए नहीं, तो उनको मिल गई थी। और वो सीधा भागलपुर से कलकत्ता आया, कलकत्ता से पानी के जहाज़ से और बर्मा के राजधानी रंगून चले गए और वहाँ उन्होंने पोस्टर्स में क्लर्क के काम करते रहे। और फिर वहाँ से वहाँ भी उन्होंने लिखना जारी किया। इतने में भागलपुर में एक साहित्यिक कंपटीशन शुरू हुआ। उन्होंने उसमें विभिन्न राइटर से लेख कहानी आमंत्रित किया एवं जो प्रथम आएगा उसको पुरस्कार भी था और इनाम भी थे। तो उस कहानी के कंपटीशन के नाम था कुंतलिन पुरस्कार। तो शरतचंद्र मामा जी, शरतचंद्र लिखी एक छोटी सी कहानी मंदिर उस टाइम उसको भेज दिया था, जो कि प्रथम प्राइज फर्स्ट प्राइज मिला उनको शरतचंद्र का लिखा। और वो रमन का मामा जी शरतचंद्र को बताया और शरतचंद्र बहुत खुश हुए, पैसा भी मिले। और उसके बाद शरतचंद्र उन मामा जी को कहा, आप एक एक करके उपन्यास जिन जिन के पास है लेके आप छपाना शुरू कर दीजिए। और एक एक करके उनके सारे उपन्यास, ज़्यादातर उन्होंने 10-15 उपन्यास तो उस टाइम उन्होंने लिख के गए थे, वो सारे एक एक करके छपते लगे और पॉपुलर होते गए। शरतचंद्र रातों रात पॉपुलर होते गए। और फिर उन्होंने जब बहुत उनके किताबें बिकने लगी तो उन्होंने ये नौकरी छोड़ने की विचार किया और कलकत्ता में आने लगा। बर्मा भी उन्होंने बहुत सारे कहानियाँ किताब लिखे थे। अच्छा, बर्मा में उन्होंने जहाँ रहते थे, जिस मकान में, दो मंजिला मकान में, वहाँ भारत के विभिन्न जाति के लोग रहते थे। इनमें कोई मिस्त्री था, कोई मजदूर था, कोई भी थे, कोई पढ़े लिखे क्लर्क था, कोई कुछ भी। शरतचंद्र सब के साथ मिलजुल के रहते थे, उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। क्लर्क थे, बाबूजी, सब भाई उनको बाबूजी कहते थे और वो सब कहते थे। उन्होंने एक परिवार में एक लड़की, युवती लड़की के लिए बड़ी समस्या हुई थी शादी के, तो शरतचंद्र उनकी उस लड़की से शादी कर ली थी एवं उनसे उनके एक कन्या संतान भी हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से और उनकी पत्नी की भी मौत होगी, पहली पत्नी और बच्ची की भी मौत हो गई थी। उसके बाद शरतचंद्र कलकत्ते में आ गए। जब उनके सारे कहानी खूब मशहूर हो रहे थे तो कलकत्ता में शुरू में वो संकोची स्वभाव के कारण कलकत्ता में तो पहले उनके कोई जानकारी नहीं थे, इसलिए उन्होंने पतिताव के घर में रहने लग गया। तो पतिताव के लोग सुनने से ऐसे लगेगा कि शरतचंद्र कैरेक्टर है लेस आदमी, क्योंकि पतिताव के घर में रहते थे। लेकिन वो शरतचंद्र खुद कहते थे कि मैं जिस औरत को प्यार नहीं करता हूँ, कभी उसके साथ मैं शारीरिक संबंध बनाना पसंद ही नहीं करता। वहाँ सब पतिता उनको दादा ठाकुर कहते थे। लोग उससे पूछते, आपके घर में ये आदमी रहते? बोले, दादा ठाकुर के बात शुरू होते, बस वो तो खाली लिखते रहते सारा दिन। तो वो लिखते थे। धीरे धीरे उनके इतने पैसे हुआ, इतनी पॉपुलरिटी हुआ कि उन्होंने कलकत्ते में बहुत बड़ा मंजिला, 2-3 मंजिला मकान बना लिया। 2-3 मंजिला मकान बनाया और वहाँ रहने लगा। उन्होंने दूसरी शादी कर ली जिनके नाम है हिरण्यमयी देवी। उनसे शादी कर ली, दूसरी शादी, और सुना है उनसे कोई संत का संतान नहीं हुआ। तो उसमें रहने लगी।
एक बार एक मारवाड़ी व्यवसायी महोदय ने किसी से पूछा, ये मकान किसका है, इतना आलीशान मकान? तो किसी ने कहा, ये शरद बाबू के है। बोले, शरद बाबू ये क्या, कौन सा बिजनेस करता है? तो लोग कहे, बिजनेस नहीं करता है, ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? अरे ये कहानी किताब, कहानी वगैरह लिखते, उपन्यास वगैरह। बोले, कहानी उपन्यास लिख के इतने पैसे होता है, इतना बड़ा मिसाल मकान? तो अभी आप अंदाज कर लीजिए, उस जमाने और किसी लिखा कि इतना पैसा नहीं हुआ मिले जितने शरद बाबू के मिले, जितनी पॉपुलरिटी थी, ना केवल बंगाल में, पूरी हिंदी भाषी क्षेत्र में तो शरद बाबू के लोग दीवाना बन गया, और साउथ में भी उनके बहुत प्रशंसक है। इसके अलावा उनके सारे उपन्यास किताबें वगैरह पृथ्वी की दुनिया के बहुत सारे भाषा में ट्रांसलेट होके अभी भी पढ़े जा रहे हैं, और लाइब्रेरी में है। वो बंगाल सातमोची उपन्यास सम्राट थे, भारत के किसी भी उपन्यास सम्राट उनके मुकाबला, उनके जैसे पॉपुलैरिटी मुकाबला कर नहीं सकते। और हिंदी भाषी क्षेत्र में बंगाल के लेखकों में सबसे पहला नाम ही है शरदचंद्र, सबसे ज़्यादा मशहूर है शरदचंद्र चटर्जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शरदचंद्र बाबू शरद बाबू की किताब नहीं पढ़े, जो पहले ज़माने के पढ़ते थे। आजकल तो पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया, लोग बच्चे खाली स्कूल के सिलेबस ही पढ़ते हैं और उसके बाद मोबाइल में खेलते हैं, कोई किताब तो कोई दूसरे पढ़ते नहीं। लेकिन हमारे ज़माने में हमने पाँचवीं छठवीं से ही कहानी किताब पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले ज़माने लोग किताबें पढ़ते थे, शादी ब्याह में किताबी लोगों के उपहार में देते थे, लिया जाते थे। अब तो सब बदल गया ज़माना। तो शरद बाबू के बाद बंगाल के जिस लेखक ने सबसे ज़्यादा जनप्रियता पॉपुलैरिटी हासिल की, उनके नाम है विमल मित्रा। तो ये दोनों लेखक सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में पॉपुलैरिटी। शरद बाबू तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पढ़े लिखे उस ज़माने के जो शरद बाबू की किताब नहीं पढ़े है। जो भी है, शरद बाबू उसके बाद कलकत्ता में मकान बनाए, खूब लिखते रहे और उनके किताब धड़ाधड़ उनके बिकते गए। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 27, 28, 33 उपन्यास लिखे और सारे बहुत अच्छी किताब उपन्यास सबसे अच्छे हैं। और कहानी में लिखे, छोटे कहानी, बड़े कहानी, इनमें से तीन कहानी बहुत ही मशहूर है। एक का नाम है अभागी की स्वर्ग, मतलब अब हिंदी में जिसे कहते हैं अभागिन के स्वर्ग लाभ। दूसरा है महेश, जो कि एक सांड एक गोदा के ऊपर लिखी हुई है, एक मुस्लिम परिवार के। और तीसरी कहानी है रामेर सुमति, जिसका नाम जिसके हिंदी में होता है राम की शुभ सद्बुद्धि। ये शरदचंद्र के लिखाई हुई उपन्यास का अधिकांश ही चलचित्र रूपायण हो गया। बंगाली में तो इनके सभी उपन्यास को पिक्चराइज किया गया है और हिंदी में भी इनके 3-4 उपन्यास, मेरे जहाँ तक जानकारी है, हिंदी में बॉलीवुड में भी 4 पिक्चर का तो हिंदी चलचित्र बन गई है, जिसमें आप लोग जानते ही होंगे देवदास 2 बार बन गया। एक में दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन थे देवदास पार्वती, दूसरे में शाहरुख खान और ऐश्वर्य राय थे। इसके अलावा मछली दीदी में मीना कुमारी ने किया और रामेश सुमति में सावाना आजमी जी किया था। और परिणीता जो प्रदीप सरकार जी ने बनाया, उसमें सैफ अली खान और विद्या बलान ने काम किया। तो बंगाल में तो सभी इनके सारे उपन्यास का ही चलचित्रायन हुआ, नाटकों में भी इनके सारे नाटक भी इनके सारे पिक्चर के हो गया। शरदचंद्र की लिखी हुई सबसे अच्छे अच्छे के उपन्यास में मेरे हिसाब से तो गृहदाह उपन्यास सबसे ज़्यादा उनके बेहतरीन उपन्यास है एवं विपदास्पद भी है। और उन्होंने उनके सबसे बड़ी विशेषता यही है, उन्होंने नारी के दुख दर्द के बारे में सबसे ज़्यादा पहला ही उपन्यासकार था जिन्होंने नारी के दुख दर्द और उनके बारे में, उनके कष्ट, उनके पदस्खलन, उनके पतन के कारण यानी उन सबसे बड़े करके दिखाया नारी की जो विशेषता, स्नेह, भलवासा, प्यार, ममता, ये सारी चीज़ उनके उपन्यास में था। उनसे पहले और किसी लेखक ने नारी के चरित्र के इतनी महिमा दिखाया नहीं। और उनके उपन्यास में भी देखिए, गृहदा उपन्यास में अचला का कोई कसूर ना होते हुए भी उनको उनके पति के दोस्त ने उसको लेके भाग गया और आखिर में वो मर भी गया। वो ना घर के रहा ना घाट के रहा, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। इसी तरह से आप देख लीजिए
उनके जो लेखा लेखनी में है, कौन सी उपन्यास, हाँ ये चरित्रहीन, चरित्रहीन में देखिए किरणमयी इतनी सुंदरी, इतनी पढ़ी लिखी औरत थी, और उनके एक बूढ़ा आदमी से शादी हुई, और उन्होंने उस बूढ़ा आदमी और उसके सास ने उनको इतना मारा, लकड़ी से उनके पीठ पीठ को जला दिया, और वो उसने एक आदमी से प्यार किया, लेकिन उस आदमी ने इतना वफादार अपने पति के उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, तब किरणमयी पति हिंसा के बस उनके भाई को लेके भाग गया। बाद में उसके भाई ने जब उनको शादी के लिए जबरदस्ती करने लगा तब वो उनको भेज दिया, बोल घर जा चला जा, और उनका जीवन व्यर्थ हो गया। इसी तरह से उनके आखिरी उपन्यास जो था शेषेर परिचय, मतलब आखिरी परिचय, उनमें क्या है, एक भले घर के औरत थी, औरत जो मध्यम उम्र के थे और घर के महारानी कह जा सकते थे, उसके पति उनकी इतनी विश्वास होते, सारा परिवार उनको देवी की तरह समझते हैं, उस औरत ने क्या किया, एक गलत आदमी के साथ भाग गया। मतलब देखिए क्या है, आदमी के चरित्र में कहाँ भी कहीं भी पदस्खलन हो सकता है, चाहे मध्यम वर्ग में भी वो कुछ भी मध्यम वयस में उम्र में। और इसी के बेस पर के बंगाल में एक पिक्चर भी बने परमा, जिसमें राखी जी ने अभिनय किया है। और इसके अलावा आप देखिए उनके श्रीकांत उपन्यास में अन्नदा दीदी एक ब्राह्मण की बेटी थी, वो क्या किया, उन्होंने एक सपेड़े के साथ भाग गई ब्राह्मण की, और फिर क्या हुआ, उनकी जिंदगी नरक बन गया। उस सपेड़े गांजा पीता था और सारा दिन सोते रहते थे, और बीच बीच साहब की खिलाड़ी ना, खाना पीने का संसार में कट के रह गया, इनके जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो गया। इस तरह से कितनी भी नारियों के जीवन हाहाकार मच गया, बचपन में शादी होगी और विधवा होगी, इस तरह से बहुत सारे उपन्यास था। बाद में शरदचंद्र जी जीवन के आखिरी समय में बहुत लोगों से मिलने जुलने लगे थे, संकोच काट गया उनको, बहुत सारे सभा समिति में बुलाया जाता था, प्रधान चीफ गेस्ट बनाए जाते थे, वहाँ वो बोलते थे, फिर उनके बहुत सारे यार दोस्त भी बन गए, वो बीच बीच में उनसे कहानी चुटकुले वगैरह सुनते थे, उनसे उनके मजे मजेदार बातें बात बात करते थे, मजलिस से आदमी बन गए। और आखिरी जीवन में उन्होंने गांव में चले गए, और उस टाइम क्रांतिकारियों के बोलबाला था, शरदचंद्र मन प्राण से क्रांतिकारियों के समर्थन करते थे, और उनको सहयोग भी करते थे, उनके घर में क्रांतिकारी लोग आते थे, वो भेष बदल के कोई आलू वाला बन के, वो ऐसे कह देते थे भाई तुम आलू वाला सब्जी वाला ऐसे बन के मेरे घर आओ, और दोपहर के टाइम में आते थे कोई जवान लड़के आलू वाला ऐसे बन के, सिर पे आलू की टोकरी लेके, ताकि अंग्रेज लोगों को कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो, और उनके घर में बुलाते थे, ला जाओ भाई आलू ले लो। उनके पत्नी कहते थे कि घर में तो आलू है बहुत सारे, अरे देखो दोपहर के टाइम गर्मी में आया, ले लिया आलू, क्या है आलू कौन सा खराब होगा, तुम खाना बनाओ इनके लिए दोपहर को, एकदम देखो पसीना से चूर चूर हो गया। तो उनकी पत्नी नाराज हो जाती थी, अब फिर से चूल्हा जलाना पड़ेगा, उस जमाने में तो गैस नहीं था ये फट से जलाओ और खाना बना दो, चूल्हा जलाना कहीं पर खाना बनाने का उनके लिए। और जब तक खाना बनाती थी तब तक शरदचंद्र जी उन क्रांतिकारियों के अंदर बुलाते थे अपने बैठक में, उनसे बातें करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे जानकारी लेते थे, फिर खाना खिला और उनके आर्थिक सहायता देते थे, और खिला पिला के शांत करके भेजते थे। उनके जो किताब है, एक किताब पते दापी, जिसे हिंदी में कहते हैं रास्ते के दावेदार या पथ के दावेदार, वो किताब क्रांतिकारियों के उस समय में क्रांतिकारियों के पास वो भगवद गीता के समान थे, उस किताब को क्रांतिकारियों के जोश भरने के लिए वो किताब उन्होंने लिखा था उपन्यास, और उस किताब को अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन वो किताब चुपके चुपके इतने बिकते थे कि सभी क्रांतिकारियों के पास पथ के दावेदार पथेर दाबी सब क्रांतिकारी के पास होते थे, और वो पढ़ के उनके मन में बहुत जोश आता था। उस क्रांतिकारी उस उपन्यास के नायक शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बेस करके लिखा गया शायद। और शरदचंद्र आखिरी जीवन में तो मैंने कहा दिवानंद, उनके रुगनाया नदी के किनारे उनके दो मंजिला मकान बनाया था, वहीं वो
बैठते थे और नदी का दृश्य उपभोग करते थे। आखिर में उनके शायद 64-66 साल की उम्र में उनके पाइल्स वगैरह और कोई बीमारी घेर लिया था और अंत में उनका निधन हो गया। तो आज के मेरा ये जीवनी आवारा मसीहा आप लोगों को कैसे लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कोशिश कीजिए कि आवारा मसीहा को आप लोग पढ़े और बेहतरीन बेहतरीन रूप से उनके बारे में जान सके, और मेरे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।